हे गाइस, वेलकम बैक टू केडीवी ब्लॉग्स। तो जैसे आप लोगों ने देखा, हमारी पैकिंग चेकिंग सब कुछ हो गई है। नाश्ता वास्ता हमने पहले ही सब खरीद लिया था, तो अब हम लोग रेडी हो गए और हम निकल रहे हैं आज बड़ौदा से गोवा के लिए बाय रोड नेक्सॉन में। हमारी तो प्लान कुछ ऐसा है, मैं, जानवी, वत्सल, मानू और पार्थू, हम पाँच जा रहे हैं। हम पाँच भाई बहनें जा रहे हैं गोवा बाय रोड। तो वो हम चार तो यहाँ से निकलेंगे बड़ौदा से, पर हम पिक करेंगे पार्थू को सूरत से, क्योंकि बीच में हम एक दो घंटे का हॉल्ट लेंगे। वहाँ से सूरत से पार्थू को पिक करके अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना खा के हम हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे गोवा तक, और कल सुबह तक गोवा पहुँचने का प्लान है। मतलब स्ट्रेट हम लोग कोई हॉल्ट नहीं लेने वाले, क्योंकि फिर चार पाँच दिन हम मज़े कर सके। और हमने ट्रेन बुकिंग और वो सब भी देखा था, पर कुछ हुआ नहीं लास्ट मोमेंट पे। फ्लाइट हमें महंगी पड़ रही थी, तो सोचा क्यों ना बाय रोड जाया जाए, रोड ट्रिप की जाए। तो बस सारी पैकिंग हो गई है, जानू अपना गई है पार्लर वार्लर अपना सब कुछ करवाने के लिए। ये हमारी पैकिंग चेकिंग हो गई, और ये मेरे शूज़। जब मैं न्यूजीलैंड से वापस आ रहा था, मुझे डिस्काउंट में ये मिल गए थे सिर्फ और सिर्फ $80 में। क्या शूज़ है यार, जॉर्डन के, एक नंबर। इसे मैं लेके जा रहा हूँ, पहनने की इच्छा तो नहीं हो रही है, पर लेके जाएंगे, अगर मन किया तो पहनेंगे। तो ये सारा कुछ हो गया, पैकिंग हो गई, बस अब बत्सल का वेट हो रहा है। और पीछे दादाजी बैठे हैं यार, हमारी चाय बना रहे हैं पापा। रेडी रेडी। पापा को टेंशन हो रहा है थोड़ा 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 नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन। चीज़ आ गई, अगर कुछ भूल गए तो पता नहीं, वैसे तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल देते हैं। हम मेरी गाड़ी ले जा रहे हैं, तो पापा को गाड़ी की ज़रूरत होगी तो अपनी गाड़ी, वत्सल की गाड़ी रख के जा रहे हैं हम लोग। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जब शांति दिया ना, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बेटा, खा दो ना, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सुखी था छोकरा, चलो जय श्री कृष्ण, ना तो बेसो शांति दी, जय श्री कृष्ण, हैप्पी जर्नी, थैंक यू, चलो जय श्री कृष्ण। हमारे ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है, पर हमारा पहला स्टॉप हमारा मंदिर, जानू कर रही है पूजा, फिर निकलते हैं। अब सब निकल रहे हैं बड़ौदा से पहले सूरत की ओर, पहला स्टॉप हमारा सूरत है जैसे मैंने आप लोग को बताया था। तो अब गाड़ी भी तैयार है, और यहाँ से नॉन स्टॉप सूरत, यही प्लान है। चलो, और गर्मी हद से ज्यादा है भाई, बहुत सही टाइम पे मैंने कॉल कर दिया था कल बहुत सही टाइम पे कॉल हो गया था, वरना ये रोड ट्रिप ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाली थी। लोचे हो जाते गोटी लासे बिच जाती, बहुत सही टाइम पे तूने कर दिया था कॉल मुझे, मैं चाय पी रहा था वहाँ पे, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं दोस्तों के साथ चाय पी रहा था और इसका फोन आया कि आ जा भाई जल्दी कुछ सेट कर, वरना ट्रिप कैंसिल, घर वाले कैंसिल कर देंगे रोड ट्रिप। आधी चाय फेंक क्या है, टिकटें भी चेक हो गई थी, हाँ अगले महीने की टिकटें भी बुक हो रही थी, देखी थी। फाइनली ट्रिप हमारी हो गई है शुरू, निकल रहा है सूरत की, और नॉन स्टॉप कहीं रुकना नहीं है, सूरत ही रुकेंगे क्योंकि वहाँ पे पार्टियों को उठाना है वहाँ से, और वहाँ से खाएंगे बढ़िया सा खाना। तीन घंटे के बाद हम लोग पहुँच गए सूरत। बीच में हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था दो जगह पे, एक भरूच के पास मिला था और एक
अंकलेश्वर के पास, पर फिर भी इजीली 3 घंटे नॉन स्टॉप हम पहुंच गए। अब यहाँ से भी एंटर होने के बाद भी ये हमें 44 मिनट्स दिखा रहा है, मतलब ट्रैफिक तो है सूरत में। अब मैं कैमरा दे देता हूँ उसको, वत्सल को, वरना ये देख सुल्तान ये देखो, अगर गाड़ी ऐसे चलानी हो ना उतर के तो ऐसे चलाते हैं गाड़ी। सूरत में मैं 3 साल बाद वापस आया हूँ और इसको ना सिटी ऑफ ब्रिज ही बोलते हैं, और जब आता हूँ तब एक नया ब्रिज बन जाता है। वत्सल बोल रहा है कि बस हमें कॉन्स्टेंट ब्रिज चढ़ते रहना है, उतरते रहना है, ये मुझे अंदाजा आ गया क्योंकि हर बार जब भी मैं आता हूँ एक नया ब्रिज खड़ा हो जाता है, उतरो चढ़ो यही चलता है। अभी भी देखो 32 मिनट दिखा रहा, अब थोड़ी कम हुई ब्रिज चढ़ने के बाद। ओके, वहाँ न्यूजीलैंड में एकदम खाली रास्ते पे चलाने के बाद इधर खाली रास्ता ना मिलने के बराबर है। हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि इतनी जगह खाली छोड़ दी ना तो सब रुस जाते हैं एक दूसरे से। ये ऐसा होता है कि जैसे तुमने उसका खाना छीन लिया, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं कि इतना खाली छोड़ा कैसे तूने। यहाँ उल्टा डांटते हैं, जगह खाली छोड़ने पर एक दूसरे को डांटते हैं कि ये क्यों छोड़ दिया तूने, मैं जाऊंगा ऐसे करके। भाई साहब, घर पे आके आलू पूरी नूडल्स मंचूरियन, ओहो हो, आलू पूरी देख के अच्छा लग रहा है 3 साल बाद। लो मानो बहन, लो तो हमने पार्थू को भी पिक कर लिया है। हेलो मानो बहन, सोना नहीं है, सोने का नहीं है, पार्थू अगर इन दोनों में से कोई भी सोता है ना स्पेशली जानू, जोर वाला थप्पड़ रोएगी तो नहीं ना। है अच्छे से बात कर, छोड़े अच्छे से बात कर, चले मत रो बे, खिलाड़ी बनते खतरों से। सॉन्ग भी नहीं है, जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती मुझे सपनों में। रात के 1 बजे और हमने महाराष्ट्र बॉर्डर में हम एंटर कर चुके हैं। इन लोग ने प्रॉमिस भी तोड़ दिए। ये लोग सो गए, प्रॉमिस तो रात को जगने के लिए अभी थोड़ा तो सोना पड़ेगा ना, क्या फायदा रात, क्या फायदा 1 बजा है महाराष्ट्र बॉर्डर एंटर कर रहा है। मैं थोड़ी देर सो गया, पार्थ सो गया, जानू मानू सब सो गए, पर वत्सल 10:30 बजे से जग ही रहा है, वो गाड़ी खींच ही रहा है। अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस पे है और हल्की हल्की सुबह हो रही है, बस अब किसी अच्छी जगह पे रुक के थोड़ा फ्रेश हो गए, कुछ चाय नाश्ता करेंगे। यहाँ पे सोचा कुछ होगा पर है नहीं कुछ, तो अब इन लोगों को तो भूख लगी है। रात के 10:30 बजे निकले थे, सुबह के 5:30 हो गए। भाई साहब, वत्सल ने तो गाड़ी खींची है, एक नंबर।